शर्मिला टैगोर की शाकलाका सफर की रिलीज के बाद राजेश खन्ना फिरोज खान से निराश हो गए थे क्योंकि उन्होंने सारी प्रशंसा छीन ली थी। राजेश खन्ना को आज भी बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनका स्टारडम अद्वितीय बना हुआ है और उनकी फिल्मों की एक लंबी सूची है जो प्रतिष्ठित है। आनंद से बरवाची, सफर से राग और कई अन्य अभिनेता उस समय के अपने कई समकालीन अमिताभ बच्चन से लेकर फिरोज खान तक के साथ स्क्रीन पर सजा किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म सफर की रिलीज के बाद राजेश खन्ना फिरोज से काफ़ी निराश हो गए थे। सफर एक रोमांटिक ड्रामा थी और जिसमें फिरोज खान राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर और अशोक कुमार ने अभिनय किया था। यह बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास पर आधारित थी और अशीत सेन तारा निर्देशित थी। लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद खता वास्तव में निराश थे क्योंकि फिरोज खान ने इसके लिए पड़ी सारी प्रशंसा और प्रशंसा छीन ली थी। आनंद अभिनेता इस बात से नाराज थी कि खान को उतना ही प्यार और प्रशंसा मिली जितनी उन्हें मिली। राजेश उस दौर के सुपरस्टार थे और उन्होंने कभी भी फिरोज को प्रतिस्पर्धी नहीं माना। लेकिन आखिरकार दोनों को फिल्म से वही प्यार मिला और वह खता को पसंद नहीं आई। इन दोनों कलाकारों ने चार फिल्मों औरत, सफर, राम तेरे कितने नाम और खून और पानी में साथ काम किया है। दिलचस्प बात यह है कि सफर उस साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी और गाने आज भी हमारी यादों में सदाबहार बने हुए हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहे के से लेकर हम दा जिनके सहारे तक फिल्म का संगीत सीधे दिल से उतर गया है और यह भी फिल्म की सफलता का बड़ा कारण था।